हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खाना मनपसंद। मैं कामना चोपड़ा खाना मनपसंद में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बहुत ही यम्मी रेसिपी बनाने जा रही हूँ जो कि है वेजिटेबल बिरयानी, बट मैं एक क्विक वर्जन बनाने जा रही हूँ यानी कि प्रेशर कुकर बिरयानी बनाने जा रही हूँ। इसके लिए जो हमने इन्ग्रीडियंट्स लिए हैं हम वो देख लेंगे। फ्रेंड्स, इसका टेस्ट बिल्कुल भी डिफर नहीं करता नॉर्मल बिरयानी से, सो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये प्रेशर कुकर बिरयानी। तो हम इन्ग्रीडियंट्स देख लेंगे। मैंने यहाँ पर ली है फूल गोभी, बीन्स, गाजर। मैंने इन्हें ऐसे कट किया है, आप चाहें तो जैसे भी कट कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद है। आप स्क्वायर्स में कट कर सकते हैं, लंबा कट कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर इस तरह से कट किए ताकि ये प्रेशर कुकर में कुक होने पर भी मिक्स नहीं होंगी, वेजिटेबल्स बिल्कुल पूरी तरह नहीं गलेंगी। अनियंस यानी कि प्याज, एक कप दही, इसको मैंने अच्छे से बीट करके रखा है, ये बिल्कुल प्लेन योगर्ट है। क्रीम, फ्रेश क्रीम 1/4 कप, ये मैंने लो फैट क्रीम ली है, आप चाहें तो मलाई या फ्रेश क्रीम डेरी की कुछ भी डाल सकते हैं। आप चाहें तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, बट ये अच्छा टेस्ट देती है इसलिए मैंने इसमें फ्रेश क्रीम भी ऐड की है। काजू 3 बड़े चम्मच, जिंजर पेस्ट 1/2 टीस्पून, गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, ग्रीन चिली पेस्ट 1/2 टीस्पून, कश्मीरी रेड चिली पाउडर या देगी मिर्च आप कुछ भी ले सकते हैं 1 टीस्पून, ये बहुत अच्छा कलर देगी। टर्मरिक पाउडर 1/4 टीस्पून, मैं बहुत कम यूज़ कर रही हूँ और हम यहाँ पर कोई भी आर्टिफिशियल कलर यूज़ नहीं कर रहे हैं। सॉल्ट 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, कटा हुआ पुदीना 1 बड़ा चम्मच, धनिया पत्ती 2 बड़े चम्मच। और यहाँ पर फ्रेंड्स हमने कुछ साबुत मसाले लिए हैं बिरयानी मसाला बनाने के लिए, हम फ्रेश बिरयानी मसाला बनाएंगे। अगर आप चाहें तो आप रेडीमेड बिरयानी पाउडर बिरयानी मसाला डाल सकते हैं, बट मैं यहाँ पर फ्रेश बनाने जा रही हूँ। तड़के के लिए यहाँ पर 2 तेज पत्ते लिए हैं मैंने, साथ ही लिया है यहाँ पर बिरयानी मसाला बनाने के लिए 1 छोटा तेज पत्ता, दालचीनी और जावित्री, मोटी इलायची, और यहाँ पर मैंने लिया है शाही जीरा। आप देख सकते हैं ये शाही जीरा है जो कि आम जीरे से बारीक होता है। वैसे आप जो भी आपके पास होल स्पाइसेस अवेलेबल हो, साबुत गरम मसाले अवेलेबल हो, उन्हें पीस कर बिरयानी मसाला बना सकते हैं, बट अगर आप प्रॉपर क्वांटिटी लेंगे तो उससे टेस्ट और भी अच्छा आएगा। तो मैं ये सभी इंग्रेडिएंट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूंगी ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए रेसिपी में। यहाँ पर लिया है मैंने बटर, मक्खन का बहुत बड़ा रोल है बिरयानी में, तो यहाँ पर 2 टेबलस्पून बटर लिया है मैंने, और थोड़ा सा घी या ऑयल आप जो भी चाहें वो ले सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चावल जिसके बिना बिरयानी बन ही नहीं सकती, तो यहाँ पर मैंने 1.5 गिलास चावल लिए हैं। मैंने जो गिलास लिया है मैं आपको उसका मेजरमेंट दिखा दूंगी। चावल की मेजरमेंट जो है इस ग्लास से ली है, तो मैंने यहाँ पर 1 गिलास और आधा गिलास चावल लिया है, और हम इसमें जो वाटर ऐड करेंगे, पानी, उसकी क्वांटिटी जो होगी हम इससे सवा क्वांटिटी में ऐड करेंगे। यानी कि अगर हमारे पास 1 गिलास चावल है तो हम 1/4 गिलास यानी कि 1/4 ग्लास जो है वाटर ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर 1.5 गिलास चावल के लिए सिर्फ 2 गिलास पानी ऐड करूंगी, और मैंने इसे इन चावल को आधा घंटा पहले भिगो लिया है। ये बिरयानी राइस है तो मैं बनाने से पहले इसका वाटर स्ट्रेन कर लूंगी। आधा घंटा भिगोने से जो है चावल को अच्छे से पानी सोख कर पाता है और बहुत ही खिली खिली बिरयानी या पुलाव जो है वो बनता है। तो बिरयानी बनाना शुरू करेंगे, उसके लिए सबसे पहले मैं ये मसाले रोस्ट करके पीस लूंगी। पैन गर्म होने के लिए रख दिया है और अब हम ड्राई स्पाइसेस हैं वो डाल लेंगे। तेजपत्ता, 1 तेज पत्ता मैंने तड़के के लिए रख लिया है, हमें इन्हें ड्राई रोस्ट करना है तो हम यहाँ पर सभी कुछ ऐड कर देंगे। दालचीनी एक करके इसलिए ऐड कर रही हूँ ताकि आप इजीली देख पाएं। मोटी इलायची, जावित्री, लौंग 4-5 छोटी इलायची, 2-3 लौंग, 5-7 काली मिर्च और जीरा। तो अब हम इन्हें बिल्कुल ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इन्हें बहुत तेज आँच पर ना भूने, इलायची को थोड़ा सा तोड़ लेंगे, इससे इसका पूरा फ्लेवर आ जाएगा। आप चाहें तो रेडीमेड बिरयानी मसाला डाल सकते हैं, बट इसका जो फ्रेश मसालों का फ्लेवर है वो बहुत ही अलग और बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए हम ये डालते हैं। अगर आप बिरयानी मसाला नहीं डालना चाहते तो आप सिंपल गरम मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, बट बिरयानी मसाले का फ्लेवर जो है वो थोड़ा अलग होता है। जैसे ही आपको लगे कि मसाले रोस्ट होने लगे हैं तो हम इन्हें पीस लेंगे। ये देखिए आपको जीरे के स्प्लैटर होने की आवाज़ आ रही होगी। इन्हें जस्ट 1 से 2 मिनट लगेंगे, मसाले भुन गए हैं तो अब हम इन्हें पीस लेंगे। मैं इन्हें चटनी जार में पीस रही हूँ। ये देखिए फ्रेश होममेड बिरयानी मसाला रेडी है, तो अब हम बिरयानी बनाना शुरू करेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, हमने प्रेशर कुकर गरम करने के लिए रख दिया है। हम इसमें बटर ऐड करेंगे, साथ ही साथ थोड़ा सा ऑयल या घी ऐड करेंगे। बटर मेल्ट होते ही हम इसमें तेज पत्ता ऐड कर देंगे, साथ ही थोड़ा सा हाफ टी स्पून शाही जीरा ऐड करेंगे। जैसे ही जीरा भुन जाएगा हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज डालकर 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। देखिए प्याज भून चुका है, अब हम इसमें गाजर ऐड करेंगे, 1 मिनट के लिए भून लेंगे। गोभी ऐड कर देंगे। मैंने आपने देखा होगा कि सब्जियों का कट जो है वो बहुत बारीक नहीं रखा, क्योंकि हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो ये जल्दी कुक हो जाती है। मैं थोड़ा सा क्रंच चाहती हूँ इन सब्जियों में, तो इसलिए मैंने इन्हें बहुत बारीक नहीं काटा। आप चाहें तो अपनी पसंद से काट सकते हैं। बीन्स ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पर फ्रोजन मटर लिए है 1/2 कप, वो भी ऐड कर देंगे। 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। ढक्कन को ऐसे ही ढक देंगे और 2-3 मिनट के लिए कुक होने देंगे। ऐसे ही ढक देंगे ढक्कन को और कुक होने देंगे इन्हें 2-3 मिनट के लिए। और गैस का फ्लेम जो है वो लो कर देंगे, ताकि 2-3 मिनट तक हमारी सब्जियां जो हैं वो बटर के अंदर थोड़ा सा कुक हो जाएं। फ्रेंड्स, मैंने इसमें काजू ऐड नहीं किया, क्योंकि काजू जो है वो हम फ्राई करके बाद में ऐड करेंगे गार्निशिंग के लिए। चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं या साथ में ऐड कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आफ्टर 5 मिनट्स वेजिटेबल्स का कलर जो है वो चेंज हो गया और ये अच्छे से भुन चुकी हैं। अब हम इसमें जिंजर गार्लिक ऐड करेंगे। जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिलीज ऐड करेंगे। गैस का फ्लेम अभी भी लो है, इसे तेज ना करें, अदरवाइज आपका बटर और वेजिटेबल्स जो हैं वो जल सकती हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा भून लेंगे। अब मैंने गैस का फ्लेम जो है ये ऐड करने के बाद थोड़ा तेज कर दिया है। साथ ही साथ हम इसमें सभी मसाले ऐड कर देंगे। रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर, हल्दी। गैस का फ्लेम फिर से लो कर देंगे मसाले ऐड करते हुए, ताकि मसाले जले नहीं। नमक 1 टीस्पून एंड 1/2 टीस्पून। हम बाद में चेक करेंगे राइस ऐड करने के बाद, अगर हमें नमक कम लगा तो हम बाद में ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी मसालों को। 1 चम्मच भर कर बिरयानी मसाला डाल रही हूँ, जो कि मैंने अभी बनाया है। थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड करूँगी मैं। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से। दही ऐड कर देंगे, 1 कप दही। फ्रेंड्स, इसी से जो बिरयानी का फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है, तो दही ज़रूर ऐड करें, अदरवाइज ये पुलाव बनेगा, बिरयानी नहीं। फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। आप क्रीम की जगह मिल्क और मलाई कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मिक्स कर देंगे इसे। इसमें राइस ऐड कर देंगे, हमने 1/2 घंटा भिगोकर रखा था। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि इसके लिए हम वाटर का रेशियो जो है 1:1/4 यानी कि सवाया रखते हैं, बट यहाँ पर हमने दही अच्छी क्वांटिटी में ऐड किया है, तो मैं थोड़ा सा वाटर का अमाउंट जो है वो रिड्यूस कर दूंगी। तो उससे पहले हम इन्हें बिल्कुल हल्के हाथ से मिला लेंगे। ज़्यादा नहीं मिलाएंगे, क्योंकि चावल टूट जाएंगे। तो मैं अब यहाँ पर पानी ऐड करूँगी, 1 गिलास। ये देखिए 2 गिलास से थोड़ा सा कम है यहाँ पर पानी का लेवल, यानी कि 1.25 गिलास के करीब पानी है, तो हम ये पानी ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें पुदीने की पत्ती, धनिया पत्ती ऐड कर देंगे और मिक्स कर देंगे इसको। अब इसे हल्का सा स्टर देंगे और प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे, और इसे 1 विसल आते ही बंद कर देंगे, गैस को स्विच ऑफ कर देंगे। आप देख सकते हैं इस पर अभी कितना अच्छा कलर आ रहा है। पहले हम इसे एक बॉयल आने देंगे, उसके बाद हम इसे बंद कर देंगे। ये देखिए इसमें बॉयल आने लगा है, तो अब हम इसका ढक्कन जो है 1 विसल आने देंगे और 1 विसल आने देंगे। फ्रेंड्स, आप नमक चेक कर सकते हैं, अगर आपको नमक कम या ज़्यादा लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब तक हमारा प्रेशर कुकर में विसल आ रही है, तब तक हम काजू जो है उनको भून लेंगे। थोड़ा सा बटर लेंगे, काजू डाल देंगे, बस इन्हें थोड़ा सा क्रंची होने तक भून लेंगे। हम इन्हें बाद में इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि इसमें क्रंच बना रहे हैं, अदरवाइज ये सॉगी हो जाएंगे बिरयानी में साथ में कुक होने पर।
ये देखिए काजू भुन चुके हैं, तो अब हम इन्हें साइड पर रख देंगे और किसी बर्तन में निकाल लेंगे, नहीं अदरवाइज ये पैन में जल जाएंगे। ये देखिए इसमें एक विसल आ चुकी है और मैंने गैस स्विच ऑफ कर दी है। अब हम इसे 5 मिनट्स के लिए ठंडा होने देंगे और उसके बाद इसे खोल लेंगे। बहुत ज़्यादा देर इसमें स्टीम नहीं रहने देंगे, थोड़ी सी स्टीम इसमें से रिमूव कर देंगे, अदरवाइज वेजिटेबल्स जो है वो ज़्यादा जल सकती हैं, तो मैं इसमें से थोड़ी सी स्टीम रिमूव कर दूंगी। अब हम इसे ठंडा होने देंगे और उसके बाद हम इसे खोल लेंगे और सर्व करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, प्रेशर कुकर जो है वो खुल चुका है अपने आप। ये देखिए कितनी अच्छी बिरयानी बनी है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। हम इसमें देसी घी डालेंगे क्योंकि बिरयानी में जो है वो देसी घी ऊपर से ज़रूर डाला जाता है, तो यहाँ पर मैं 2 बड़े चम्मच देसी घी के डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप अवॉइड कर सकते हैं। देखिए हमारी वेजिटेबल्स जो हैं वो भी अभी तक क्रंची हैं। हम बिरयानी सर्व करेंगे। आप इसे फोक से हम इसे किसी बड़े बर्तन में पलट लेंगे जिससे कि इसके चावल जो है वो बिल्कुल खिले खिले रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बिरयानी रेडी है। अब हम इसे थोड़े से धनिए और काजू से गार्निश कर लेंगे। थोड़ी सी धनिया पत्ती डालेंगे, थोड़े से फ्राइड काजू डाल देंगे। फ्रेंड्स, तैयार है हमारी गर्मा गर्म बिरयानी। आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया बनी है। आप प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए एंड डेफिनेटली यू विल लव दिस। और इसका जो फ्लेवर है वो आपको बहुत पसंद आएगा, आपको ऑथेंटिक बिरयानी की तरह ही आपको इसका टेस्ट आएगा। सो प्लीज़ इफ़ यू लाइक माई रेसिपी देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग खाना मनपसंद। और आपको अगर मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन ताकि मुझे पता लगे कि आपको किस तरह की रेसिपीज़ पसंद है। आप इस बिरयानी को ना केवल लंच और डिनर के लिए सर्व कर सकते हैं, आप इसे टिफ़िन रेसिपी की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। टिफ़िन में भी ये बहुत अच्छी रहती है और रायता के साथ इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और किसी भी तरह के सालन के साथ भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। सो प्लीज़ डू ट्राई दिस रेसिपी एंड शेयर माई रेसिपीज़ विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ हिट द लाइक बटन अंदर आ वीडियो एंड डू कमेंट। थैंक यू। बाय बाय।